you feeling, man? My queen is shining, guys. Good morning, guys. Jai Sri Ram, Jai Bole. Welcome back to my new vlog. Hey, cutting करवानी है यार, but अभी time नहीं है, तो फिलहाल अभी जा रहे हैं अंकल से मिलने. अब मैं फोन वहाँ चला पाऊंगा, ब्लॉग बना पाऊंगा या नहीं पता नहीं मुझे, पर डैडी आ रहे हैं, डैडी के साथ जा रहा हूँ. इसकी मैं टेक्निक दिखाता हूँ आपको, इसका एवरेज कैसे सही करते हैं. अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये एवरेज अभी 12 का है ना, शो कर रही है, तो अभी मैं इसको लास्ट में पूरी प्रॉपर तरीके से बताऊंगा चीज़ें. तो गाइज अभी मैं पहुँचा हूँ गोमती नगर और पिताजी के साथ आया हूँ, थोड़ा बहुत काम है, काम निपटाने के बाद आपसे मिलता हूँ. गाइज आ चुके हैं IAS. गाइज एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है. बैड न्यूज़ क्या है आप सभी को पता ही चल गया होगा मेरे थंबनेल या टाइटल से पढ़ के, कि कटारिया भाई बाहर हो गया है यार बिग बॉस से. गाइस तो अभी घर आया हूँ तो एक शॉकिंग न्यूज पता चली है कि कटारिया भाई साहब जो है घर से निकाल दिए गए हैं, पता नहीं कैसे. तो भाई वोटिंग तो निकाल नहीं पाए, ठीक है, तो किसी ना किसी तरह से गेम प्लानिंग करके उसको निकाल दिया गया है. मुझे पता था भाई दबे कि ये चीज़ होगी, ठीक है, और जो चीज़ इन लोगों ने की है देखना. अभी भाई सारे अनडिजर्व ही हैं, अरमान था डिजर्विंग वो भी निकल गया है, ठीक है, एक सना मकबूल बची है जो है उसमें, बाकी मुझे नहीं लगता कि इस बार बॉस OTT सही लोगों को आगे ले गया. भाई एकदम हक दिया, हक दिया भाई, सच में हक दिया. देखो दिखाता हूँ. भाई एक तरफा जिताते तुझे, वोट तो ना निकाल पाए, देख ले कैसे तेरे को उससे निकाला. जब आओगे मिलोगे मैं बातें शेयर करूंगा, काफी मजा आया. पर यार कोई चक्कर नहीं, जीतना हारना तो कट पता है ना, पब्लिक को दिख गया, मैं जिस पब्लिक को दिखना चाहिए पब्लिक को पता लगता है क्या चीज है क्या. तो यार भाई इनकी जो हरकत करी है ना भाई इन लोगों ने, कि ये जो निकाल के बहुत गलत किया भाई, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यार, मैं ना भाई जियो सिनेमा डिलीट करने जा रहा हूँ भाई, सच में. मतलब इतना भाई, भाई सारे तो मतलब इसी चक्कर में डाउनलोड किया था, ठीक है, और दिमाग की एकदम दही कर दिखता था. बहुत देखता हूँ भाई, क्योंकि पहली सेकेंड टाइम देखा था जब एल्विस आया था, अब थर्ड टाइम देखा हूँ तो ये आया है. पहले सिद्धार्थ वाला देखा था सबसे पहले, फिर एल्विस का टाइम देखा, फिर ये आया कटारिया, तो देखा मैंने. इसकी ऐसी की तैसी, ये रहा, ये गया और ये उड़ा, इसको उड़ाओ हैंकर. भाई ऐसा जहां नहीं पसंद भाई अपने को, सीधी बात है भाई, है तो है भाई, इतना जेन्युइन बंदा, इतना बढ़िया गेम खेला, पता नहीं क्या अलग ही प्लान बना रखा, पता नहीं कौन सी बिग बॉस को खुन्नस हो रखी है, पता नहीं बंद कर भाई दिमाग की माँ बहन हो रखी है, फर्जी की नोटंगी कर रहा है भाई तू. और मतलब इतना दिमाग की ऐसी की तैसी कर दी भाई, इतनी मेहनत कर रहा था, अभी कल ही मीटअप हुआ था एक दिन पहले उसका, और आज निकाल दिया, इतनी मेहनत चल रही थी भाई बाहर और निकाल दिया. तो चलो भाई मतलब कोई रीजन ही नहीं है बहन की आग, चलो वो तो पता चलेगा अभी बिग बॉस के कितने लोगों ने डिलीट किया होगा वो तो मैं जानता हूँ. प्लस ऐसी हो रखी है ना कटारिया की आर्मी और एल्विस की आर्मी और जितने इन्फ्लुएंसर्स आए थे भाई, बुरा लगा होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है सबको बुरा लगा होगा यार कि कटारिया को, मेरे को नहीं लग रहा भाई इतनी पब्लिक को, मतलब कम से कम नहीं बहुत ज़्यादा, आज इतनी बिग बॉस की पब्लिक है, आधी पब्लिक जो है एल्विस आर्मी देख रही होगी, ठीक है, बहुतों को बुरा लगा होगा. और इतने टाइम में तो बूम हो रखा है, एल्विस ने भी डाला था ट्विटर पे कि वोटों से तो नहीं निकाल पाए, हाँ लेकिन वोटों से तो खैर सही में नहीं निकाल पाए भाई, और बोला भी वीडियो में कि वोटों से नहीं निकाल पाए. तो भाई सच बात है कि वोटों से तो खैर ये नहीं निकाल पाते, ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों ने जानबूझ के किसी तरह से इसको निकाला. मुझे लग ही रहा था कि पहले कि इस तरीके से निकालेंगे, और जो निकाला है वो तो खैर गलत किया ही है भाई, गलत किया है, इतना गलत तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए भाई. जियो सिनेमा में डिलीट करने वालों मैं कर दिया भाई, मैंने ऑलरेडी कल कर दिया भाई, कर दिया तुमने, मैंने भी डिलीट कर दिया. नहीं भाई बिग बॉस में जो मेन बंदा था लवकेश कटारिया भाई, उसको तो हटा ही थे, क्या फायदा देखने का भाई. भाई मेरे तो इतनी हंसी आ रही है भाई इनको, जब तक की TRP चाहिए थी, ठीक है, तब तक की उसको रखा,
अब जब टीआरपी खत्म, मतलब अब फाइनल वीक आ गया तो टीआरपी मतलब खत्म समझ लो एकदम, सब तो पीक जोन पर रखा था, तो अब क्या तुक बनता है भाई। इतनी एल्विस आर्मी अब देखना पगला जाइए, क्योंकि एल्विस की आर्मी ना भाई बिल्कुल ऐसी आर्मी है कि वो सुनती नहीं है भाई किसी की, सीधी बात। अभी देखना बिग बॉस पे ऐसे कमेंट्स बाजी होगी मुझे पता है। बारिश बहुत तेज हो रही भाई, भाई भाई चलो नहाने चलते, बारिश बहुत तेज हो रही। अरे भाई हटा ले, चलो भाई बारिश हो रही है नहा लेते हैं अभी, कटारिया भाई के लिए बात करते हैं थोड़ी देर। मेरे को इतनी तेज तो होनी रखी है बारिश साले, अबे फिर भी रात तो हो रही, बादल देखो कितने रात हो रही है, तो बारिश इतनी तेज भी तो नहीं हो रही है भाई। अपना ना है, मैं तो उतारने जा रहा कपड़े, अपन करेगा भाई जलवेबाजी, पकड़ कर रहा हूं बोलियो बिना भाई कपड़े। फोन वाटर प्रूफ है ही है भाई, मैं कटारिया को निकाल दिया, कटारिया के बादल भी रो रहा है देख। भाई मौसम इतना कीड़ा हो रखा है और अपन जो है नहा रहे हैं। यार ओ भाई क्या बारिश हो रही है भयंकर, अपने तो ऐसे ही मजे कर रहे हैं। अरे 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 भाई जूम हो जा, अबे इतना केड़ा मौसम हो रखा भाई, इतना केड़ा मौसम हो रखा। कटारिया कटारिया एलिफिस का भाई कटारिया बाहर हो गए, अब तो भाई बिग बॉस है, मुझे लग रहा वाइल्ड कार्ड भी लेनी पड़ेगी इतने के लिए। चलो यार आ जाओ, आ जाएगा पकड़ पकड़ फोन पकड़ फोन पकड़ गाइस सारी बातें अलग हो गई हैं, ठीक है कटारिया भाई निकल चुका है। मैं बहुत नाराज हूँ बिग बॉस वालों से भाई, मुझे मनाने भी नहीं आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है वाइल्ड कार्ड एंट्री लेनी पड़ेगी मुझे बिग बॉस में, अभी नहीं तो कभी तो लूंगा ही। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। हेडेक हो गया साला नहा नहा के, मिलते हैं फिर, बाय बाय।